भारत में जारी कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप दुनिया के सबसे मशहूर क्रिकेट लीग आईपीएल में भी देखने को मिल रहा है, जिसके 14वें सीजन में आईपीएल के कई दिग्गज खिलाड़ियों ने सीजन को बीच में छोड़कर वापस जाने का फैसला लिया। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन में एंड्रयू टाई, लेग स्पिनर एडम जंपा और केन रिचर्डसन ने निजी कारणों का हवाला देते हुए ऑस्ट्रेलिया के लिए वापस उड़ान भरी। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद अब ये खिलाड़ी आईपीएल को बीच में ही छोड़कर वापस आने को लेकर अपने कारणों का खुलासा कर रहे हैं। इस दौरान एडम जंपा ने आईपीएल 2021 के खिलाड़ियों के लिए बनाए गए बायो बबल को दुनिया का सबसे खराब और चपेट में आने वाला बायो बबल बताया। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड से बात करते हुए जंपा ने आईपीएल को बीच में छोड़कर जाने के कारण का खुलासा करते हुए कहा कि वह अपनी जिंदगी के सबसे खराब बायो बबल का हिस्सा थे। उनका मानना है कि आईपीएल को पिछले साल की तरह इस साल भी यूएई में ही आयोजित करना चाहिए था। जंपा ने कहा कि हम अब तक कई सारे बायो बबल का हिस्सा रह चुके हैं और मुझे लगता है कि आईपीएल का बायो बबल शायद सबसे नाजुक था, क्योंकि यह भारत है। जब हम भी भारत जाते हैं तो हमें हाइजीनिंग और सफाई को लेकर अतिरिक्त ध्यान देने की बात कही जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि जब 6 महीने पहले दुबई में आईपीएल का आयोजन किया गया था, तब हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ था। वहाँ पर हमने काफ़ी सुरक्षित महसूस किया था। मेरी निजी राय यह है कि यूएई में ही इसका आयोजन ज़्यादा बेहतर विकल्प होता, लेकिन जाहिर है कि इसमें काफ़ी राजनीति चीज़ें जुड़ी होती हैं। भारत में इस साल के अंत में T20 विश्व कप का आयोजन होना है। जाहिर तौर पर वह क्रिकेट की दुनिया में अगला चर्चा का विषय होने जा रहा है। 6 महीने काफ़ी लंबे समय होता है। जंपा ने इस दौरान कहा कि उन्हें पैसे के नुकसान का कोई गम नहीं है, क्योंकि वह अपनी मानसिक हेल्थ को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने कहा, बहुत सारे लोग इस समय कह रहे हैं कि आईपीएल का यह मैच घरों में बंद लोगों के लिए राहत का माध्यम बने हैं, लेकिन इस पर भी मेरी निजी राय है कि अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य मौत से लड़ रहा है तो उसके आसपास के किसी भी आदमी को क्रिकेट की नहीं पड़ी होगी। मुझे बस वहां से निकलने की जरूरत महसूस हुई। जाहिर तौर पर यह मेरे लिए आर्थिक बलिदान होगा, लेकिन मेरे नज़रिए से मैं अपनी मेंटल हेल्थ को पहले रखता हूँ, उसका ठीक रहना ज़रूरी था। गौरतलब है कि एडम जंपा को इस सीज़न खेले गए मुकाबलों में टीम में एक भी बार मौका नहीं मिला। 1.5 करोड़ की कीमत में RCB से जुड़ने वाले जंपा ने आईपीएल को छोड़ने के कई कारण बताए। उन्होंने कहा, जाहिर है कोविड की परिस्थितियाँ वहाँ पर काफ़ी गंभीर हैं। मुझे ट्रेनिंग और बाकी चीज़ें करना सिर्फ पत्थर पर सिर मारने जैसा महसूस हो रहा था। टीम की प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिलने के चलते मुझे किसी भी तरह की मोटिवेशन भी नहीं मिल रही थी। बायो बबल की थकान के अलावा कई चीज़ें भी जो प्रभावित कर रही थीं। एडम जंपा और केन रिचर्डसन के टूर्नामेंट को बीच में छोड़ने पर फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने भी ट्वीट किया। एडम जंपा और केन रिचर्डसन के निजी कारणों से ऑस्ट्रेलिया वापस लौट रहे हैं और वह आगे के टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर उनके फैसले का सम्मान करता है और उन्हें उनका पूरा सपोर्ट देता है। राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज एंड्रयू टाई भारत में COVID-19 के बढ़ते मामलों के कारण पहले ही देश छोड़ चुके हैं। देश में कोरोना वायरस महामारी के कहर को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को 15 मई तक भारत से आने वाली उड़ानों को निलंबित कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के 14 क्रिकेटर अब भी आईपीएल में खेल रहे हैं, जिसमें स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, पैंट कैमिस, रिकी पॉन्टिंग, साइमन टैटिच जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं, और वहीं मैथ्यू हेडन, ब्रेटली और लीजा स्टालेकर जैसे पूर्व दिग्गज खिलाड़ी टूर्नामेंट की कमेंट्री का हिस्सा हैं। 8 टीमों का यह टूर्नामेंट 6 स्थलों पर खाली स्टेडियम में हो रहा है और जैविक रूप से सुरक्षित माहौल को और कड़ा करने के लिए टीमों के होटलों में बाहर से खाना मंगवाने की भी स्वीकृति नहीं है।